सहारा ग्रुप कभी देश के सबसे ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक था। इसका बिजनेस रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस सर्विस और एयरलाइंस तक फैला था। इसके पास आईपीएल में एक टीम भी थी। फार्मूला वन टीम फोर्स इंडिया में भी इस ग्रुप का निवेश था। कई साल तक सहारा ग्रुप भारतीय क्रिकेट टीम का भी स्पॉन्सर्स रहा। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की सत्ता के गलियारों में तूती बोलती थी। उनके बेटों की शादी में कई बड़े बड़े नेता और अभिनेता शामिल होते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने रसूखदार आदमी को जेल की हवा खानी पड़ी? कहते हैं कि एक चिट्ठी ने सहारा में चल रहे कथित गड़बड़ियों का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। आखिर उस चिट्ठी में क्या था, किसने लिखी थी वो चिट्ठी, बताएंगे लाइव इंडिया की खास रिपोर्ट में। तो देखते रहिए और आगे पूरी कहानी सुनते चलिए। 4 जनवरी 2010 को राशन लाल नाम के एक व्यक्ति ने नेशनल हाउसिंग बैंक को हिंदी में लिखा और एक नोट भेजा। रोशन लाल का दावा था कि वो इंदौर में रहते हैं और पेशे से सीए हैं। इस चिट्ठी में उन्होंने लखनऊ के सहारा ग्रुप की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी बॉन्ड्स की जांच कराने का अनुरोध एनएचबी से किया था। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं, लेकिन ये नियमों के मुताबिक जारी नहीं किए गए हैं। जेल की हवा। नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इस तरह के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने ये चिट्ठी कैपिटल मार्केट रेगुलर सेबी को फॉरवर्ड कर दी। एक प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के तरफ से भी इसी तरह का एक नोट मिला। सेबी ने 24 नवंबर 2010 को सहारा ग्रुप के किसी भी रूप में पब्लिक से पैसा उठाने पर पाबंदी लगा दी। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निवेशकों के पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। ये रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सहारा समूह की कंपनियों ने सेबी कानूनों का उल्लंघन किया। कंपनियों ने कहा है कि उन लाखों भारतीयों के पैसे जुटाए गए जो बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। सहारा ग्रुप की कंपनियां निवेशकों को भुगतान करने में विफल रहीं तो अदालत ने राय को जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल से अधिक समय तक जेल काट चुके हैं। 6 मई 2017 से वो पैरोल पर हैं और पहली बार उन्हें पैरोल माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर मिला था, जिसके बाद तब से अब तक पैरोल बढ़ा दिया गया था। कहाँ गए रोशन लाल? सरकार ने हाल ही में संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया था कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड 223.85 लाख निवेशकों से 19,400.47 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे। सहारा का कहना है कि वो निवेशकों के पैसे वापस करना चाहता है, लेकिन ये रकम सेबी के पास फंसी है। दूसरी ओर सेबी का कहना है कि वो सहारा के निवेशकों को ब्याज समेत कुल 138.7 करोड़ रुपए ही वापस कर पाया है। इसकी वजह यह है कि उसे इतने ही दावे मिले हैं। सहारा ग्रुप ने रोशन लाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। सहारा ग्रुप के वकीलों ने ऑन रिकॉर्ड बताया कि सहारा प्राइम सिटी इश्यू के मेंचर बैंकर ने इंदौर की जनता कॉलोनी में रोशन लाल के पते पर एक लेटर भेजा था, लेकिन वो वापस आ गया। इसमें लिखा था कि एड्रेस मिला ही नहीं। इतना ही नहीं, इस मामले में रुचि रखने वाले कई लोगों ने रोशन लाल को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। जानकारों का कहना है कि रोशन लाल नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह काम किसी कॉरपोरेशन प्रतिद्वंदी का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।